अजिंग्या 1914 में लोध की गुफा में आ गया था वो। उसकी मृत्यु हुई 1940 में। कहाँ मरे हो? अपने घर में। घर से मरा? नहीं, गुफा में नहीं मरे? गुफे में नहीं मरा, अपने घर में मरा। तो यार दोस्तों, अभी इस रास्ते पे ना लोगों की आवाजाही कम हो गई है, तो रास्ता लगभग क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है और पूरे रास्ते में घास और छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगे हैं। और इसी रास्ते हमें अभी जाना है डोकुला गांव। तो यार दोस्तों, फाइनली हमारी टीम पहुंच चुकी है डोकुला गांव पे और जस्ट सामने है हमारे डोकुला गांव। ये देखो भाई, और यहां भी अनंत मात्रा में मक्के की खेती की गई है और काफ़ी बड़ा है यार डोकुला गांव। वैसे देखा जाए ना, डोकुला गांव बहुत ही बड़ा और खूबसूरत घाटी में बसा हुआ है। तो ये रहा डोकुला गांव। तो यार दोस्तों, जो ये आप पत्थर देख रहे होंगे ना, तो पहले मुझे लगा ये संगमरमर है, लेकिन ये संगमरमर को भी मात देने वाला पत्थर है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत डिजाइन वाला है। इतना मस्त लग रहा है ना, देखो भाई पूरी धारियां बनी है पूरे रास्ते पे। मुझे लगा मेरे संगमरमर ही है भाई, तो ये संगमरमर से अच्छा पत्थर है भाई, खूबसूरत और टिकाऊ। तो यार दोस्तों, हम उस खड़ी चट्टान से आए हैं, लग रहा है आपको रास्ता होगा, लेकिन हम इसी रास्ते से आए हैं भाई, पूरे इसी खड़ी चट्टान से। और यहाँ का नज़ारा जो दिख रहा है ना, वहाँ से तल्ला समकोट का एरिया काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और ये देखो, ये है डोकुला गांव और डोकुला गांव का प्रथम मकान ये है भाई। तो यार डोकुला गांव में तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी पुरानी बाखली मिली है, पुरानी लंबा खई, और यहाँ कुंडी उंडी सब खुल्ला है। एक चीज़ पहाड़ों की ये खास बात रहती है ना, दरवाजे में कभी आपको चाबी नहीं मिलेगी, भले कुंडी लगा देंगे बंदर वगैरह अंदर ना घुसे करके, लेकिन चाबी बहुत कम मिलती है। क्योंकि यहाँ भाई क्या रहता है ना, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ रहती है। अभी पहाड़ों में ईमानदारी है भाई, शहरों में तो अब 10-10 ताला लगाने के बाद ही चोरी हो जाती है, लेकिन पहाड़ों में देखो ये रहती है पहाड़ों की खूबसूरती। तो यार दोस्तों, समकोट में मैंने आपको मक्के की खेती दिखाई थी, तो यहाँ डोकुला गांव में भी मक्के की खेती बहुत मात्रा में की जा रही है। और जो रास्ता दिख रहा है ना भाई आपको, ये मक्के के खेतों के बीचों बीच जा रही है काफ़ी खूबसूरती के साथ। ये देखो, आओ मार दा अमिताभ बच्चन भी यहाँ से भी ले जाते होंगे यार शायद मक्का। ये देखो, तो पहाड़ी बाखली में हमें एक अम्मा मिली है खूबसूरत सी, जो कि परात नल हन। और क्या कथे लोग वहाँ था, मैं गुआ कदी गुनान या गुआ क्यों ना नहीं हुआ मेरे खाल पात खाल तमरता मुनी रोल। तो जो दी दिखना सब तमर हने तेल का गाड़ है तेल का ना हन, या ये दुई गाड़ी दी हनी हो, ये तो तेल है और मैं अच्छा और मेहनत है। अम्मा के देखो कितने बड़े बड़े खेत हैं, प्लॉट हैं पूरे मक्के के हैं। कदी किलो हुए था गुआक क्यों वाले था वाल किलो पंद्री पंद्री खाँ या भी अच्छा खानू ये कहाँ भी खूब गगर रात हाँ गेहूँ खूब ना खाना गेहूँ होंगे ना गुआ गका है तब तो ये देड़ी रहा तो अमा देड़ी के मट्टा हो रखा है गगर वाट बेचता ने बुधर आयल आयल ना पाए खाया ने हे टियार अमा। चलो ठीक से है बाय, फोटो क्या खाना ना आए ये बिली रुपए लागने ना हम पे ठीक से हम बाय। तो यार दोस्तों, मडुए के साथ यहाँ पे दाल की भी खेती की जाती है। ये देखो भटकी खेती की गई है भाई मडुए के साथ साथ। तो यार दोस्तों, डोकला में आते आते ना मोबाइल के सिग्नल भी गायब हो चुके हैं। अब एक मोबाइल नहीं, खाली एक डब्बा है, बस गाने अगर डाउनलोड हो तो सुन सकते हो, नहीं तो एक प्रकार से पूरा डब्बा है, नहीं संचार की व्यवस्था कुछ नहीं है इसमें, डब्बा है डब्बा। इसको फेंक दो क्या लफाकड़े से, काम हाल
कश नहीं आता आ जाएगा बच्चू। तो यार दोस्तों यहाँ देखो गांव वालों का सामान रखने वाला अड्डा है। ये तो काफी चीजें रखे, घास रखा है, लुटियास रखा है और छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने भी दिख रहे हैं मुझे कहीं वो उधर पे। तो ऐसे गुफाओं को ना यूज में लाने के लिए यूज में लाया गया है मतलब एक हिसाब से। तो चलते चलते हम काफी दूर पहुंच गए हैं। ओ दीदी यो गांव नाम की भाई नमस्ते तो कुत्ते इतने ज्यादा आ रखे ना भौंक रहे कहीं काट ना दे। तो एक और पहाड़ी बाखली में हम पहुंच गए हैं और यहाँ काफी सारे भूटिया डॉगीज हैं। ये देखो ये दांती हूं इतना लंबा खाए था मरे है ये पूरे कदी परिवार नहीं में दी, दी परिवार है को तुम्हारे जिठानी ठाण रुंदवाल। अच्छा और कहाँ घरवाल अच्छा ड्यूटी में अच्छा ड्यूटी में हूं मतलब चलो ठीक है तो मिलते हमने यो पुछड़ होने यहाँ में जब बैर में नौकरी लिखा बैर जनान रुपया कमोड़ा लिखा तो यहाँ में रुपया कमोड़ा लिखा की करना रुपया कमोड़ा नहीं हो नौकरी में जनान कहाँ तलका ही हो। अच्छा तलका जनान है और बैंक मिस्त्री मिस्त्री वाला काम चलो वाल मिस्त्री काम। अच्छा ये अथका उथका बैक फौजी वौजी ले भला अगल बगल फौजी ले भैया ना। अच्छा तो यू मतलब आमदनी का जरिया और टाइम जो घर मुल्ले की जा कौन सा जो अपन खर्चा पानी निकालने ले खाल और मैं क्यों हो व्यस्त में क्यों करनु बैंक हां बाकी भी अच्छा क्यों कदर पे किलो चल यहां घ्यू 8 रुपए 8 रुपए आ शाही 8 कोबे तो 8 कोबे 800 अच्छा 8 कोबे। अच्छा तो 800 मतलब अपनी अपना जेब खर्चा निकालने के लिए जू बेचा जाता है और ये गुर लतोड़ा हो तुम्हार। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा घास का बना हुआ छप्पर है और नीचे से जो दीवार लगाई गई है ना ये है ईंधन की लकड़ी की लगाई गई है। तो यार दोस्तों हम ढोकला गांव में है ना तो ठीक सामने हमें मिला नदी के जस्ट सामने महाकाली का मंदिर। महाकाली का मंदिर जो कि दानों का संहार करती है ना वो महाकाली का मंदिर यहां पे स्थापित है। तो अम्मा रास्ते में मुझे मिल गई थी तो अम्मा को चश्मा दे दिया है मैंने थोड़ा लगाने के लिए। और ये देखो बकरियाँ देखो कभी सालों को जाए बकर 8-10 सालों को ले लाख मीन भाई आया बकरू नमस्ते जाना बकरान हाँ दिख रहा लाम चश्मेल यह साहु बे यह मैं साहु ओ भाई रूपोश लगना है यार रूपशो कुटूर ओ बे नान का है तमार नान का भाई नान छो पाया नान घर चल को ना अच्छा ना वो सामने की लगा रहे हैं पहला ये नान में नहीं है। तो यार दोस्तों चलते चलते हम पहुंच चुके हैं ढोकला गांव में और ढोकला गांव में हमें एक जात परिचित आदमी मिले हैं और ये पहले चिकुणी में। तो यार दोस्तों चलते चलते हम ढोकला गांव में पहुंच चुके हैं और गांव में पहुंच के पता चला कि यहाँ ताऊजी का लेंटर पड़ रहा है और अभी नीचे लेंटर जा रहा है। तो ताऊजी से थोड़ी सी बात हुई तो ताऊजी ने हमें बताया कि मेरा ममकोट कहाँ है आप तो नहीं बताओ बिरती बिरती है बिरती है मेरा नैनीहाल बिरती हुआ। अच्छा तो कुनाल दाक मामू भाई हूँ तुम्हारे दाजी भाई अरे दाजी भाई ना अच्छा और ये नरेंद्र हाँ वो भाई हुआ। अच्छा तो ताऊजी बोल रहे थे कि मैंने बिरथी स्कूल पढ़ा करके तो हमारे पिताजी लोगों के साथ ही पढ़ा होगा ज्यादा ख्याल हाँ क्यों नहीं साथ में पढ़ा पिताजी के साथ देखो बाबू तुम्हारे दोस्त मिल गया नंछ नानक नाम की बात तुम्हारे मोहन सिंह तो पिताजी के बचपन के परम मित्र मिल चुके हैं लंगोटिया यार है
ममकोटिया यार लंगोटिया यार। चलो ठीक ठीक ठीक, तो ऐसा है समकोट पहुंचाओ मैं अभी डोकला गांव में। तो लेंटर में नन्हे नन्हे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं बच्चों? किसान है खुच लो, क्या देख रहे हो छोटा भी मैं? क्यों हुआ है मुर्गी वाले मोगली? अच्छा गुड, सावा सावा हाँ। जो तुम डाक वाल कोना है ना, वे कहानी किसी वक्त बता दी उबे। हाँ वो ऐसा था, ये पुरदम का बोल था, हरसिंह नाम है उसका, हरसिंह बोल, हरसिंह बोल नाम है उसका। अब वो ऐसा करता था बल्कि और गरीबों के लिए तो बहुत बढ़िया काम करता था, जो रईस और या शेट वाले शेठ होगा या और दादा होगा उनको पकड़ता था बोलो, गरीबों का रॉबिन हुड। हाँ जो जो शेठ होगा उसको टाइम देता था, भाई तू शेठ है तू गरीबों को दबा रहा है, तेरा मैं फलानी तारीख को इतने बजे तेरी झोपड़ी फूंक दूंगा, झोपड़ी तेरी फूंक दूंगा। उसी टाइम पर तू अपना लटा पटा उठा के दूसरी जगह रखेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा मैं उड़ा दूंगा, मैं उड़ा दूंगा। तो उसी टाइम पर जो टाइम बताएगा उसी टाइम पर आके वो झोपड़ी में आग डाल देगा। बात हुआ आप सुने, यह है कि मैं 47 में मेरा जन्म हुआ उससे मैंने सुना है, उससे पहले की बात है। अच्छा मतलब आजादी के टाइम में आप पैदा हुए, तो उससे पहले मतलब 10-15 साल है, 20-25 साल, 10 साल करीब आजादी से पहले से। और नेता जो तो भूल हुआ ना, यह नाम मिल हुई अभी उसकी संतान है वहाँ गरूड़ी में गोरी साल में, उसके बच्चे कुत्ते सब, बाकी तुमको उसका पूरा रिकॉर्ड लेना है वहाँ जाके उनसे पूछो, अभी उनकी संतान तैयार है, नाती पोते जिंदे हैं, मतलब जिंदे हैं नाती पोते जो डांकू के। हाँ जिंदे हैं नाती पोते। तो यार दोस्तों हमने काफी कोशिशें की लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी काटने वाले कीड़े हैं ना, इसलिए हम ऊपर को नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरी थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग यहाँ काम आई, तो आधे रास्ते तक तो हम गए लेकिन वहाँ पे उसके बाद जो कीड़े हैं ना वो बहुत ही जहरीले होते हैं, अगर एक बार काटेंगे ना तो अगर हम नीचे को अगर पकड़ नहीं पाए उसको, अगर हम उसने हमें काट दिया तो नीचे देखो भाई कितनी बड़ी खाई है।